नेक्स्ट टॉपिक ये बताया था, क्या बताया था मैंने? सर मुझे चैप्टर स्टार्ट करना था। ड्रॉप ही कर लो, आप लोग चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया इकोनॉमी में, ग्रीन वाले पार्ट में। पहला कंप्लीट, पहला क्या पढ़ाया था मैंने? इकोनॉमी एंड इट्स मॉडल, ये कंप्लीट करा दिया था। मॉडल नेक्स्ट आप लोग कंप्लीट करा दिया था, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद आप लोगों को कंप्लीट कराया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को मैंने बताया था। इसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने? नेशनल इनकम। इतना पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है? दो दो चार एक पांच चैप्टर। अब नेक्स्ट आप लोग देखे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर का नाम लिखा है आप लोगों को, उसी सीक्वेंस में पढ़ाते जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करना, जो भी टॉपिक मैंने लिखा है घर में भी कोशिश करना, उसको एक बार देख करके आने का। आप लोग देख करके आएंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेना 9 to 12, उसमें देखना होगा तो किसी क्लास में है क्या, किसी क्लास में होगा तो उसे पढ़ा लो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। समझ आ रहा है? एनसीईआरटी के बाद आप लोग रमेश से भी खरीद करके रखना, तो रमेश से भी इसी में भी देखना क्या कैसे क्या है, ये और भी अपना आप लोगों के पास जो रिसोर्सेस है जहाँ से आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं। तो ग्रोथ है डेवलपमेंट, तो आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों के पास छना हुआ चीज नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा, अनवांटेड चीजें बहुत ज्यादा रहेगा, तो छना हुआ चीजें इधर बतलाएंगे। बट आप उसे पढ़े रहेंगे इधर जो हम छना हुआ चीजें बतलाएंगे जो यूपीएससी के लिए जरूरी है, वो आप लोग आसानी से समझ आएगा। ग्रोथ डेवलपमेंट तो पहले देख लो पढ़ना आप लोगों को क्या है, ठीक है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है आप लोगों को? ग्रोथ नेक्स्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है? तो फर्दर क्या, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विकास, समृद्धि, समृद्धि। और डेवलपमेंट को विकास, तो ग्रोथ मींस समृद्धि, डेवलपमेंट मींस विकास, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट मींस क्या, समृद्धि बनाम विकास। अब इसके बाद देखें इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ।
And the next? Economic progress. Economic progress. Economic progress. And further, economic progress के बाद sustainable development. Sustainable development and then sustainable development your gross national happiness. Gross national happiness. Gross national happiness. ये सारे इसमें पढ़ा है. Growth, development, growth versus development, inclusive growth, economic progress, sustainable development, growth national happiness. ये आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत पेज ऊपर डबल डबल खत्म हो जाएगा. आधा घंटे के अंदर आप लोगों का फॉर्मूला समझना है. तो सबसे पहले इसमें ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है सर? किसी से किसी किसी देश के जीडीपी या किसी देश का जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हो तो उसमें आर्थिक विकास और संख्या में बदलाव लाना. आंकड़ों की संख्या में बदलाव, आर्थिक विकास. आर्थिक विकास सर, जीडीपी और जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होना. तो सभी का राइट अपने अपने हिसाब से नहीं बदला है. अब ग्रोथ मतलब क्या? इनकम में इंक्रीमेंट, सीधा शॉर्ट में समझे मतलब वृद्धि. किसमें? इनकम. इसका ताल्लुका किससे है? इनकम से. सिंपल सा. अब ग्रोथ मतलब यहां पर हम लोग किसका ग्रोथ का बात कर रहे हैं? यहां जो मैंने ग्रोथ लिखा तो इसमें किसका ग्रोथ का बात कर रहे हैं? कंट्री का ग्रोथ का बात कर रहे हैं. यस सर. तो सिंपली किसका इनकम में वृद्धि? कंट्री का इनकम में वृद्धि. अब कंट्री का इनकम का कनेक्शन किससे है? जीडीपी से, जीएनपी से, एनएनपी से और डिफरेंट तरह का नेशनल इनकम. तो अलग अलग तरह का जितना भी नेशनल इनकम मैंने बताया था उसमें से किसी में भी वृद्धि क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा. इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं. एक सिंगल टर्म जब यूज करते हैं तो उसके क्या यूज करते हैं? जीडीपी. बट अब जीएनपी भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, किसी में भी वृद्धि. अब मान लो हम देश का इनकम में डिवाइड कर देते हैं क्या देश का पॉपुलेशन, तो क्या आ जाता है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम. तो पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा. क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. समझ आ रहा है? तो दैट मींस ग्रोथ होगा. तो इसे इसे हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रोथ में इसे लिखे इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम. अब इंक्रीज इन इनकम को हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे. जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, एनएनपी, ये सब में वृद्धि. तो इसको एग्जाम्पल, ये मैंने इसका मीनिंग लिख दिया. इसमें ऐसे करके लिख रहे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. मीनिंग कोडेड फॉर्म में लिख दे रहे हैं. ये क्या मैंने बताया इसमें? मीनिंग. अब धीरे धीरे इसको और थोड़ा ग्राफ को कोडेड करेंगे. ये मीनिंग है. मीनिंग क्या है इसका? इंक्रीज इन इनकम. अब यहां पर हम इसे कोडेड फॉर्म में ले रहे हैं. अब उसके एक क्वाड्रेंट फॉर्म दे रहे हैं एग्जाम्पल, ऐसे करके लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल. अब इसके नीचे लिख रहे हैं. समझ आ रहा है? इससे ज्यादा आप लोग स्पष्ट होगा. इसका इसमें क्या एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जीडीपी बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए. पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, ध्यान रखना.
पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, जीएनपी बढ़ जाए, ये सब ईटीसी। अब जैसे जो भी है जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, ये सब या इनकम शॉर्ट में, तो ये सब क्या एक आंकड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इनकम हमेशा इतना रुपया, इनकम इतना रुपया, एक आंकड़ा ना है। ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इन नेचर। अब इसका नेचर देखें, इसे नेचर करके लिख लिया, इसके बाद नेचर का बात कर रहे हैं। इसका नेचर क्या है? क्वांटिटेटिव। अब आप लोग देखेंगे तुरंत समझ आएगा। अब यहां जीडीपी ग्रोथ देखें, मीनिंग मीनिंग क्या, इंक्रीज इन इनकम सीधा। एग्जांपल एग्जांपल का जीडीपी पर कितने इनकम, जीएनपी से मूवमेंट। और इसका नेचर क्या है? क्वांटिटेटिव। बस ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लैंग्वेज लिखोगे फंसोगे, माइंड पजल्ड होगा उसमें। हम लोग क्या प्रैक्टिकली चीजें समझ आना चाहिए कि चीज ये है क्या। पीसीआई का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम, साइड में ही प्रति व्यक्ति है। जिसको फुल फॉर्म पता नहीं छोटू लिखा जाएगा, जिसको पता है वो रहे ये ना लिख, क्या फिर देखेंगे ऐसे समझ आ जाएगा यहाँ पर पीसीआई का क्या मतलब। तो ग्रोथ में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब नेक्स्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकास। तो डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट? सर किसी देश का सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का विकास होता है। सर स्थितियों में सुधार करना, स्थितियों में सुधार। और फिर सर इकोनॉमी में जो भी आवश्यक फैक्टर्स है सर डेवलपमेंट के, सर उसके स्थिति में जो सर जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल, चर्च वगैरह, ये सब में डेवलपमेंट करना। सर मतलब उसका सिचुएशन क्वेश्चन जब आ जाता है सर, डेवलपमेंट जैसे इनकम में तुम्हारा रिक्वायरमेंट कितना है, उसका लेबर को बात नहीं, सर जो आपस में बात को चलाते हो। सर जो जैसे मेरा जैसे सर इनकम का लेवल है सर हमारा, ठीक है ना, इनकम में जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उसको जब सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाते हैं सर, मतलब जो स्टैंडर्ड हमारा डिफाइंड होगा हमारे कंट्री का डेवलपमेंट का, यदि उस कंडीशन को लेवल को जब क्रॉस कर जाते हैं, नियर बढ़ जाते हैं, उसके बाद में जाते हैं डेवलपमेंट की सर कंडीशन में काउंट होता है। तो डेवलपमेंट में मैंने पहले जो पढ़ाया था, अभी शायद डेवलपमेंट उसमें मॉडल ऑफ इकोनॉमी मैंने बताया था, नहीं डेवलपिंग डेवलप, यस उसमें डेवलप जो मैंने बताया था, ओवरऑल बताया, ओवरऑल अलग अलग चीजें सारा चीजें बताया था, मतलब जिन जिन अलग अलग फैक्ट, मतलब अलग अलग चीजें चीजों में ज्यादा जो जो परिवर्तन होता था वो सब मैंने सारा उसमें बताया था। बट यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कोर मीनिंग देखेंगे, वो सब सारा को एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, समझ आ रहा है? डेवलप इकोनॉमी में मैंने जितना ज्यादा चीजें बताया था वो सारा को अगर कोई एक पॉइंट से कनेक्ट किया जाए तो वो पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, लिविंग स्टैंडर्ड में सकारात्मक परिवर्तन। तो इसमें मीनिंग में, मीनिंग में लिखते हैं मीनिंग में क्या है, इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। यहां पर क्या लिखा था, इंक्रीजिंग इनकम, इनकम की तरह क्या जाएगा, इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। इस बार हमने टीचिंग को मॉडिफाई किया, मेरा पुराना नोट्स देखोगे तो मैच नहीं करेगा इस बार का नोट्स, ये अच्छा है, ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस मैंने ये इसमें इस बार किया है, चीजों को सिंपलीफाई करने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को आसानी समझ आ जाए देख करके। पहले क्या था कि हम प्री कर पढ़ते थे तो ज्यादा लैंग्वेज के टर्म में रहता था, अब लैंग्वेज हम ग्राफ के टर्म में चीजों को शिफ्ट कर रहे हैं,
मीनिंग क्या इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें इंक्रीज इन इनकम, ये समझ आ गया। अब लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन, इसका एग्जांपल क्या, एग्जांपल लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट का सूचक क्या है। लिविंग स्टैंडर्ड अगर इंक्रीज होगा तो क्या परिवर्तन आएगा, वही एग्जांपल आ जाएगा। जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो क्या परिवर्तन आएगा, क्या हो जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, देखोगे एजुकेशन, एजुकेशन में पॉजिटिव परिवर्तन दिखेगा। एजुकेशन में से समझ लीजिए आपका परिवर्तन आता है, आप वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड परिवर्तन, आपका सोचने का तरीका बदलेगा नहीं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड उससे नहीं बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। तो उसी तरह से मान लीजिए अपना आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो क्या है कि आप अपना हेल्थ को क्या कर पाएंगे, आप ये आप अगर बीमार पड़ते हैं तो आप खुद का इलाज कर पाने की कंडीशन में होंगे। और उसके बाद क्या हो गया, आप बेरोजगारी हो सब। और उसके बाद क्या है कि जैसे आपका ये डेथ रेट क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा, बर्थ रेट क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, डेथ रेट भी कम होगा, बर्थ रेट भी कम होगा, ऐसा सारी चीजें। सर उस देश का जीडीपी भी बढ़ जाएगा ना सर, उस देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, तो हम बताएंगे अभी, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको ये इसको हम लोग सेपरेट अलग लेके चलेंगे, इसको अलग लेके चलेंगे, ये चीजें ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है। अभी तक जितना भी एग्जाम्पल देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि ये चीजें ऑलरेडी इसमें है, लेकिन आने वाला टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो एग्जाम्पल पर क्वेश्चन मार्क उठे, मतलब कोई वैसा एग्जाम्पल आ जाए जिसमें ये वाला चीज इसमें ना दिखे, तभी हम समझाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ वाला चीज को यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ इसका सिंपल मीनिंग इंक्रीजिंग इनकम, इसका सिंपल मीनिंग इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। अब इसका एग्जाम्पल था इनकम में वृद्धि, मतलब जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जीएनपी सब में वृद्धि। अब इसका लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन, मतलब हेल्थ का कंडीशन सुधरेगा, हेल्थ का कंडीशन सुधरेगा, एजुकेशन, एजुकेशन का स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, आरएनडी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी, लिटी, ये क्या होगा इसका, ईटीसी, बस और में रहेगा। अब इसका नेचर, अभी ढेर सारा क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग क्लियर हो गए तो क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो चीजों को बस समझ लेना है क्या वो चीज। अब इसका इसका नेचर, नेचर नेचर इसका किस तरह का होता है, जैसे ग्रोथ का नेचर क्या था, क्वांटिटेटिव, तो डेवलपमेंट का नेचर क्या होगा, ये सब दोनों होगा सर, इसका नेचर, इसका जो मेन मीनिंग है उस पर जाना है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव। कहने का मतलब पहले जितना भोजन करते थे उतना अभी भी करेंगे, लेकिन पहले भोजन क्या करते थे, अब मान लो चावल खाते थे, हाथ से खाते थे, अब क्या है, आप पनीर खाओगे, खाते चिकन खाओगे, और कांटा से खाओगे, ये कांटा वाला चम्मच से, मतलब ये एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस परिवर्तन क्या है, पेट में पहले जितना जाता था अब भी उतना जा रहा है, लेकिन पहले कुछ और जाता था और अब कुछ और जाता है। पहले आप पहनते थे ऑर्डिनरी शर्ट, मतलब 200 रुपए 150 रुपए वाला, और अब आप ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं, वुडलैंड का, लिवाइस का, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंस परिवर्तन, पहले शर्ट पहनते थे अब भी शर्ट पहनते हैं, पहले 200 का शर्ट पहनते थे और अब 2000 का शर्ट पहनते पहनते हैं, बस ये चेंजेस। तो चेंजेस किसमें आया, लिविंग स्टैंडर्ड में, क्वालिटेटिव चेंज आया। अब जैसे क्या था कि मुझे याद, जब हम आठवां नवम पढ़ते थे उसमें कितना किताब पहनते थे, 150-200 का पहनते थे, ठीक है। अब मान लो मेरा जीवन स्तर में परिवर्तन आया, ठीक है। अब
12,000-18,000 का जूता पहनते थे, पहले पहनते थे, इसका क्या नाम था उसका, पहले का ब्रांड क्या रहता है, कोई से भी ब्रांड अननोन ब्रांड ले लेते हैं, पंगुसू पहले पहनते थे, एक एग्जांपल लेते हैं, पंगुसू नाम नाम नहीं है, तो अब क्या है, अब वो नाम पंगु से बदल करके क्या आ गया, उडलेन, प्यूमा वगैरह वगैरह, तो दैट मींस ये तो चेंजेज आ रहा है, पहले तो वो जूता भी प्रोटेक्ट करता था, ये जूता भी प्रोटेक्ट करता है, समझ आ रहा है, अंतर दोनों में क्या है, क्वालिटेटिव अंतर है, उसका क्वालिटी क्या था, थोड़ा डाउन था, और इसका क्वालिटी थोड़ा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी में परिवर्तन प्राइस में बहुत परिवर्तन का सूचक बन जाता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अभी एक बार क्या था, मेरा तो ज्यादातर टाइम हमको लगता है मतलब 4,000-5,000-3,000 का ही जींस रहता है, और 1,500-2,000 का ही रहता है ज्यादातर टाइम। एक बार क्या हुआ, देहरादून में क्लास लेने गए थे डीएटी यूनिवर्सिटी में, तो उस समय इत्तेफाक से क्या था कि मेरा पैसा नहीं था, अब शर्ट कपड़ा सब शर्ट में सब गंदा था, कितना भी ब्रांडेड मतलब गंदा पहन के जाओगे तो मतलब एक जो आपका आउटलुक बनेगा वो कहीं ना कहीं खराब आउटलुक बनेगा। हम क्या के क्या के डीआईटी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बीटेक कर रहे होते हैं, एमसीए कर रहे होते हैं, उन लोगों का प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग देने गए हुए थे, तो फिर हम गए मार्केटिंग में, मार्केट में क्या मेरा पैसा ही नहीं, तो हम 150 रुपये का शर्ट पाए, और वो शर्ट कौन सा था सर, पता नहीं यही शर्ट था कौन सा शर्ट याद नहीं, ये शर्ट नहीं था, तो 150 का शर्ट पहने, अब 150 का शर्ट उनको अदर जितना भी ब्रांडेड हम पहने थे 1,500-2,000 जितना भी उससे हमको ज्यादा अच्छा नहीं आया, तो मैंने समझ आ गया कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, लो वाला में भी क्वालिटी रहता है, नीचे लेवल में भी क्वालिटी रहता है, लेकिन क्या वो अपना पहचान नहीं बनाएगा, उसका अपना पहचान नहीं होता है, एक मार्केट में पहचान नहीं होता है, इसलिए लोग क्या होते हैं सही उसको कीमत नहीं मिल पाता है पहचान नहीं होने की वजह से। तो अब वुडलैंड है, लिवाइस है, प्यूमा है, तो अपना पहचान बना लिया है एक मार्केट में, लोगों को पता है कि मिनिमम ये क्वालिटी मुझे यहां मिलेगा, तो लोग क्या होता है वहां पे कर देता है। अब 150 में हमको पीटर इंग्लैंड और जो भी इतना जितना जो होता है लिवाइस वगैरह वगैरह उससे मुझे ज्यादा आनंद आया था, लेकिन उसको सही कीमत नहीं मिला, वो जो चीज दिया क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसका मार्केट में फायदा नहीं, कोई उसको पे करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो सामने अच्छा दिखा भी देगा लोगों को दिखेगा तब भी लोग पे नहीं करेंगे, तब देखना मतलब उसका विजिबल एसेट तो सही है, देखना दो तरह का एसेट होता है, एक विजिबल एसेट और एक इनविजिबल एसेट, उसका विजिबल एसेट स्ट्रॉन्ग था, दोनों का कीमत होता है, दोनों का वैल्यू होता है, उसका शर्ट उसमें क्वालिटी दैट मींस वो विजिबल एसेट उसका क्या स्ट्रॉन्ग, और इनविजिबल एसेट उसका पूरा डाउन था, इनविजिबल एसेट उसका कनेक्शन रहता है पहचान से, उसका पहचान का लेवल क्या था डाउन था, इसलिए विजिबल एसेट का तो उसको दाम मिल गया कीमत मिल गया, लेकिन उसको इनविजिबल एसेट का कीमत नहीं मिला। अब देखिए इसका नेचर क्या हो गया, क्वालिटेटिव। अब फर्दर देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई दिक्कत तो बताया आप लोग नहीं ना। अब इसके बाद अब इन जनरल आप लोग देखेंगे मतलब कोई सा भी कंट्री में, अब इसका ये दोनों का हम कंबाइन ये आउटलुक लिखा रहे हैं, इसे आप लोग समझ रहे हैं। ध्यान रखना है हम पूरा कंट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं। अब इसको ऐसे करके लिख लें, यदि किसी कंट्री में ग्रोथ आया है तो जरूरी नहीं कि वहां डेवलपमेंट भी हुआ हो, लेकिन यदि किसी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है तो यह जरूरी है कि वहां ग्रोथ भी हुआ होगा। अब तक का एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग डिफरेंट कंट्री में से अब तक जो एग्जाम्पल मिला है, एग्जाम्पल टिल नाउ में लिखे ऐसे करके कोई किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम्पल टिल नाउ, क्योंकि उसमें क्या होता है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, उसी चीज को समझ लेता है, बाद में क्वेश्चन का आंसर में गलत करने लगता है, क्योंकि यूपीएससी में आपका वो वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे जहां आप कंफ्यूज करेंगे और आप गलत आंसर में पहुंचेंगे, और ये चीज स्पष्ट आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा नहीं कि अब तक का एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसे कह रहा है, आपको लगेगा यही चीज सही है। एग्जाम्पल टिल नाउ इसमें क्या
इफ देर इज ग्रोथ इन ए कंट्री, इफ देर इज ग्रोथ इन ए कंट्री, देन नो नेसेसरी ऑफ बीइंग डेवलपमेंट एट दैट कंट्री. If there is growth in a country, then no necessary of being development at that country. If there is growth in a country, then no necessary of being development at that country. But if there is development in a country, then it is necessary of being development at that country. If there is growth in a country, then no necessary of being development at that country. But if there is development in a country, then it is necessary of being growth. Therefore, there is growth at that country. इसे हिंदी में लिख ले. सर ये तो लिखने दीजिए. हिंदी में लिख लीजिए. यदि किसी देश में समृद्धि हुआ हो तो यह जरूरी नहीं कि वहां ग्रोथ भी हुआ हो, एक ही बात विकास भी हुआ हो किंतु यदि किसी देश में विकास हुआ हो तो जरूरी है कि वहां समृद्धि भी हुआ होगा. अब इसे आप लोग एक ग्राफ इसे आप लोग ऐसे समझ ले कि मान लो ये सारा कंट्री है, ठीक है. ये सारा किसका, ये सारा क्या है, कंट्री है, दुनिया का अलग अलग कंट्री है. ये सारा दुनिया का अलग अलग कंट्री है, ये सारा दुनिया का अलग अलग कंट्री है, ऐसे समझ ले. ये सारा दुनिया का अलग अलग कंट्री है. तो इसमें इतना कंट्री आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें ग्रोथ हुआ है तो डेवलपमेंट भी हुआ होगा, डेवलपमेंट हुआ है तो ग्रोथ भी हुआ होगा. मतलब ग्रोथ हुआ है तो डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों मिल जाएगा. बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.